हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का रेसिपी है मूंग दाल की खिचड़ी, साथ में इलिश माछ भाजा। खिचड़ी के लिए जो जो मसाला लगेगा वो ये है, जीरा 1 चम्मच, सूखा लाल मिर्च 2 से 3, गरम मसाला, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, करी पत्ता थोड़ा सा, मटर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 200 ग्राम दाल, मूंग का दाल और 200 ग्राम गोविंदभोग का चावल। खिचड़ी बनाने के लिए हम एक बड़ा कढ़ाई ले रहे हैं, जिसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने तक रुकेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें हम जीरा डाल देंगे, साथ में गरम मसाला भी और सूखा मिर्ची भी। चलिए, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, सूखा लाल मिर्च, गरम मसाला, कड़ी पत्ता, अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम एक जो कटे हुए टमाटर था वो डाल देंगे और टमाटर को नरम होने तक भून लेंगे। टमाटर काफ़ी नरम हो चुका है, अब हम इसमें जो मसाला था, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सब्ज़ी मसाला, वो मिला लेंगे। अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। एक छोटे चम्मच की जैसा और इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम मटर मिला देंगे।
अब चावल और दाल को हम धो के रखे थे, जिसे हम इसमें अब मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें अभी हम नमक मिलाएंगे, अपना स्वाद अनुसार नमक मिलाना है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे नमक के साथ। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। पानी हम अभी ज़्यादा नहीं मिलाएं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम एक्स्ट्रा पानी मिला देंगे इसमें। एकदम सूखा भी नहीं बनाना है खिचड़ी को। अब इसको हम ढक के पकाएंगे बॉयल होने तक। लीजिए, ये पक चुका है। बीच बीच में इसको थोड़ा सा नीचे से देख लेना है, ताकि नीचे से जो है दाल जल ना जाए। अब थोड़ा देर और पकाएंगे, तब तक हम इलिश माछ जो है फ्राई कर ले रहे हैं। लीजिए, इलिश माछ फ्राई हो चुका है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इल्सा हिल्सा। अब देखते हैं, इसका पानी काफ़ी सूख चुका है। अब इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब खिचड़ी बन के तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे और थोड़ा देर ढक के रख देंगे। अभी हम खिचड़ी को परोसेंगे। मूंग दाल के बड़ी भाजा, ये बहुत छोटे छोटे बड़ी होते हैं, ये भाजा ही अच्छा लगता है। आलू भाजा, जो कि मैं गोल गोल करके काट के फ्राई कर लिए हैं। इलिश माछ भाजा और पापड़ भाजा। लीजिए, खिचड़ी, बोड़ी भाजा, आलू भाजा, पापड़ भाजा और इलिश माछ भाजा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही यम्मी है। इसे आप बनाइए और मुझे बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा आपको। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे और भी इंटरेस्टिंग सा रेसिपीज़ आपको हम
बना के बता सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब बस जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और दोस्तों को भेज दीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नए और बेहतरीन रेसिपी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। See you soon. सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा।